हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट रितू। आशा करती हूं कि आप सब सही होंगे। बहुत दिन के बाद वीडियो बनानी है, उसके लिए माफी चाहती हूं, क्योंकि टाइम निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। पर मेरे कमेंट सेक्शन, जो मेरी पुरानी वीडियोस थी कि पासपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और ईसीआर नॉन ईसीआर जो भी पासपोर्ट से रिलेटेड मेरी वीडियोज हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां आप जाके देख सकते हैं। लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उससे रिलेटेड क्वेरीज मैंने देखा वीडियो डालने के बाद कि लोग बहुत ज्यादा परेशान है छोटी छोटी चीजों को लेके। पासपोर्ट बनवाना एक छोटा टॉपिक नहीं है, इट्स लाइक पासपोर्ट का जो विषय है वो काफी लार्ज टॉपिक है। उसका मैं एक एक टॉपिक उठाना पड़ेगा कि लोगों की जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो अभी जो मैंने एक सार निकाला है, जो सबसे ज्यादा सवाल लोगों के आ रहे हैं मेरे ईसीआर नॉन ईसीआर में भी वही सवाल आ रहे हैं, और पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट में भी वही सवाल घूम घूम के वही सवाल आ रहे हैं अलग अलग तरीके से। जो ये सवाल है वो है कि अगर आपका डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके नाम और आपकी जो डिटेल्स हैं, जैसे कि आपके फादर्स नेम, फादर्स के सर नेम, आपकी एड्रेस, आपकी बर्थ प्रूफ, बर्थ डेट वगैरह अगर अलग अलग हैं दोनों डॉक्यूमेंट्स में, उसका क्या कर सकते हैं, उसका क्या सोल्यूशन है, क्या आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं? तो पहला मेरा जवाब होगा कि अगर आपकी डिटेल्स मैच नहीं करती हैं तो आपका पासपोर्ट पहले ही लेवल पे पासपोर्ट ऑफिस में रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि पासपोर्ट ऑफिसर्स भी वहां कुछ सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आप एक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं कि आपका नाम जैसे महेंद्र सिंह है, ठीक है, और आप दूसरा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसमें आपका नाम सिर्फ महेंद्र है। अब वो पासपोर्ट ऑफिसर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कौन सा नाम लूं, कौन सा आदमी सही है, कौन सी की डिटेल सही है। ठीक है, तो वो आपका एप्लीकेशन वहीं पर रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो वो नहीं चलता, उनकी गलती नहीं है, वो लोग वहां काम करने बैठे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। गलती आपकी है कि आपने दोनों तीनों डॉक्यूमेंट्स में अलग 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 नाम डाल रखे हैं। ठीक है, तो इस गलती को सुधारा जा सकता है। सबसे पहले गलती क्रिएट कहां होती है, गलती आती कहां है? ठीक है, गलती उन लोगों के लिए, जैसे दो कैटेगरीज हैं पासपोर्ट की, ईसीआर कैटेगरी, नॉन ईसीआर कैटेगरी। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो ये जाके देख सकते हैं कि ईसीआर और नॉन ईसीआर क्या होता है। अगर आप इसी वीडियो तक आए हैं तो आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, अब ईसीआर कैटेगरी में क्या होता है कि आपको 10th की मार्कशीट की जरूरत नहीं पड़ती, तो आपका सिर्फ एक दो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है आपको, एक आपका एड्रेस प्रूफ और दूसरा आपका बर्थ प्रूफ। वो दोनों ही प्रूफ आपके आधार कार्ड से कवर हो जाते हैं। ठीक है, एक आधार कार्ड में आपका ईसीआर का काम ओवर, आधार कार्ड से आपका ईसीआर पासपोर्ट बनके तैयार हो जाएगा, आपको दूसरे डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम तब क्रिएट सामने आती है जब आपको नॉन ईसीआर पासपोर्ट अप्लाई करना है। नॉन ईसीआर मतलब नॉन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, मतलब आपकी मिनिमम एजुकेशन 10th होनी चाहिए, आप कम से कम 10th पास होने चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको 10th का मार्कशीट देना जरूरी है, मिनिमम 10th का। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, आप कम से कम 10th का, 10th के अलावा 10th, 12th या 10th से ज्यादा आपकी जो भी एजुकेशन है वो दे सकते हैं। ठीक है, 10th का मार्कशीट प्लस आपका बर्थ सर्टिफिकेट प्लस आपका एड्रेस प्रूफ। ठीक है, एड्रेस प्रूफ, बस बर्थ प्रूफ एंड योर नॉन ईसीआर प्रूफ, ये तीन प्रूफ देने पड़ते हैं। अब आपका बर्थ प्रूफ और आपका एड्रेस प्रूफ तो आधार कार्ड में कवर हो जाता है, लेकिन 10th का सर्टिफिकेट देना, 10th की आपकी मार्कशीट देना आपके लिए जरूरी हो जाता है। अब प्रॉब्लम आती है कि ज्यादातर लोगों के साथ जो आ रही है कि 10th के मार्कशीट में जो उनके नाम और उनकी डिटेल्स है, उनके फादर का नाम, उनके फादर का सरनेम, उनके नाम की इनिशियल्स, उनका स्पेलिंग, उनका बर्थ डेट, वो सब अलग अलग है। ठीक है, वो 10th मार्कशीट में अलग है और वो आपके आधार कार्ड में या जो भी आप एड्रेस प्रूफ या पैन कार्ड या फिर आपका वोटर कार्ड जो भी दे रहे हो उसमें अलग है। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इस गलती को सुधारा जा सकता है दो तरीके से। आपका पहला तरीका है कि आप जाइए सीधा अपने आधार कार्ड, मोस्टली लोग आधार कार्ड ही देते हैं, आधार कार्ड हमारा बहुत ही स्ट्रांग डॉक्यूमेंट है, आईडी कार्ड है। ठीक है, आधार कार्ड ऑफिस जाइए, आधार कार्ड ऑफिस जाके बोलिए कि हमारी 10th की मार्कशीट में हमारा ये जो नाम है, जो जो डिटेल्स हैं वो ये आप हमारे आधार कार्ड में लिख दीजिए। ठीक है, तो सेम डिटेल्स करवा लीजिए, वो सेम डिटेल्स के स्वयं डॉक्यूमेंट आप पासपोर्ट ऑफिस में लेके जा सकते हैं। आधार कार्ड बनने में, चेंज होने में आपको 10 से 15 दिन लगेंगे, मैंने भी चेंज कराया था, 10 से 15 दिन में काम आसानी से हो जाता है। शायद आपको 50 रुपए देने पड़ते हैं बेसिक फीस। ठीक है, ये तो नॉर्मल सोल्यूशन है, आधार कार्ड में नाम चेंज कराना सबसे आसान सोल्यूशन है। अगर आपको अपनी 10th की जो आपकी डिटेल्स हैं वो आपको वैसे की वैसी रखनी है, जैसे आपके पापा का नाम वहां एमडी शर्मा है, यहाँ आधार कार्ड में महेंद्र धोनी शर्मा है, कुछ भी है, आपको रखना है एमडी शर्मा ही रखना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं इस तरीके से जैसा आपको दिख रहा है, किसी भी नोटरी के पास जाके एक एफिडेविट बना सकते हैं, उसको गजेट करा सकते हैं। एफिडेविट में आप लिखवा देंगे कि ये जो मेरा नाम है, ये जो मेरा वो सही नाम है, मैंने गलती से आधार कार्ड में या जो दूसरा डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं उसमें गलती से दूसरा नाम लिखवा दिया है, जो मेरा 10th का मार्कशीट का नाम है वही मेरा सही
सही नाम है। या फिर आप यही सेम चीज दूसरे डॉक्यूमेंट्स के लिए भी कर सकते हैं कि मैं अपना, मेरा ये ओरिजिनल नाम है, तो एक तरीके से आपको एक लीगैलिटी मिल जाती है कि आपका ये सही नाम है। तो वो एफिडेविट बनवा के आप अपना काम, अपना प्रूफ, अपना ओरिजिनल कॉपी उसका लेके जाएंगे और फोटोस्टेट कॉपी उसका डॉक्यूमेंट पासपोर्ट ऑफिस में लेके जाएंगे, वो आपका काम कर देंगे। ठीक है, एक और सोल्यूशन है जो मैंने किया था। मैंने क्या किया था, मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा जो बेटी के बर्थ सर्टिफिकेट में मेरा नाम अलग था, सरनेम अलग था, और जो मेरा मेरे जारे डॉक्यूमेंट्स है, मेरा जो पासपोर्ट है उसमें मेरा नाम रितु पंडित है। ठीक है, तो जब बेटी का पासपोर्ट बनवाने गए, हमने बर्थ सर्टिफिकेट दिया और मेरा पासपोर्ट दिया उसका पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये दो तरह के नाम नहीं चलेंगे, आपको एक काम कीजिए, आप न्यूज़पेपर में, हिंदी न्यूज़पेपर में और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में अपना एड निकालिए कि आपका जो ये वाला नाम है रितु पंडित, यही आपका, आपने रितु से नाम बदल के ये वाला नाम कर लिया है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम है ना वो आपका प्रेजेंट नाम है। ठीक है, तो वही आपका नाम रहेगा, वो आप चेंज, एक न्यूज़पेपर में एड निकलते हैं वो न्यूज़पेपर वाले आपको बता देंगे, वो चेंज करवा के आपको वो जो डॉक्यूमेंट का प्रूफ देना है वो वाला नाम उसमें लिखवा दीजिए और उसका कॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाइए। तो इसमें आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, इसमें आप अपनी बर्थ प्रूफ, जैसे 15 की 16 अगस्त हो गई है, 17 की 18 अगस्त हो गई, अगस्त की जगह महीना चेंज हो गया, सन आपका जो 1988 है 1988 की जगह 1990, कुछ भी अगर आगे पीछे है तो आप कोई भी डिटेल उसमें चेंज करवा सकते हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करती हूँ, कोई कोई सवाल मैं रिसर्च करती हूँ, बहुत ढूंढने में टाइम लगता है कि कहीं मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दूं, तो मैं अपने रिसोर्सेज से पूछती हूँ जो मुझे नहीं पता है, बहुत तरीके से। और आप तीसरा काम एक और कर सकते हैं, मुझसे पूछने के बजाय आप सबसे पहले ना कॉल सेंटर में कॉल करिए, पासपोर्ट ऑफिस के कॉल सेंटर के नंबर आप गूगल से उठा सकते हैं या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां कॉल करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या परेशानी है। मुझे बड़ी परेशानी होती है जब आप लोग सफर करते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं और उसे ढूंढती हूँ, रिसर्च करती हूँ, सही जवाब आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कंफ्यूजन से और इरिटेशन बढ़ता है, मैं भी उन फेज से निकल चुकी हूँ। तो आई एम ट्राइंग टू मेक इट ईजी फॉर यू, मैं आपके लिए आसान बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और जिनको जरूरत है उनके साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे चलते चलते नए टॉपिक्स के साथ। और एक छोटी सी बात और बोलनी थी, कोई कोई लोग आगे कमेंट्स में बोल देते हैं कि आप ये बात एक मिनट में बोल सकते थे, आप ये बात दो मिनट में बोल सकते थे। कई बार आपके लिए जो जरूरी है हो सकता है आपके लिए जो जरूरी नहीं हो सकता है वो किसी और के लिए जरूरी हो, और एक अपना एक्सप्रेशन देना, एक बात को दूसरे तक समझाना इज नॉट ए वन लाइनर थिंग, एक लाइन में बात नहीं समझाई जा सकती, बातों को समझाने के लिए थोड़ा बैक स्टोरी बताना पड़ता है, थोड़ा क्रिएट करनी पड़ती है बातें, बतानी पड़ती है कि भैया हमें यहां सोर्स से पता चला था, क्योंकि इधर उधर की बातें भी आप बताते हो तो आपको कुछ ज्ञान ही मिलेगा अगर सुन लोगे तो, एकदम वन टू वन बात अगर मैं आपको बताऊंगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहां से क्या कैसे हुआ। ठीक है, तो ऐसे कॉमेंट्स करने से पहले आप भी एक बार सोचिए कि हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों तक अच्छी चीजें, सही चीजें पहुंचाने के लिए। तो और जो अच्छे कमेंट्स करते हैं, जो थैंक यू बोलते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे चलते चलते, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं या फिर ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहां पे आके मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करती हूँ जवाब देने की, या जो भी मेरे सोर्सेज है उनसे पता करके मैं जवाब देती हूँ। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय बाय।